हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी को इसमें। तो फ्रेंड, देखिए बिहार मध्य निषेध सिपाही का जो एग्जाम हुआ है 27 फरवरी को, उसके पेपर को एनालाइज करेंगे हम सभी। कुछ बच्चे द्वारा ये सेंड किया गया है, तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे जो मेरे पास आए हुए हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मिलाते जाइएगा आप सभी, क्वेश्चन क्या पूछा गया था और आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी। स्वयं सहायता समूह के ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो देखिए ये जो लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो बैंकों के द्वारा लिए जाते हैं। जो भी ऑप्शन नंबर ए को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा उसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या थे कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो देखिए गौरव का विलोम जो होता है लाघव होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी 44 का राइट आंसर होता है। जो भी ऑप्शन नंबर डी को टिक किया होगा बिल्कुल राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है। तो देखिए पृथ्वी की कुल सतह जो है लगभग 71% ढका हुआ है, ठीक है। 29% जो है स्थल है और 71% में क्या है, पानी है। तो यानी जो भी ऑप्शन नंबर ए को टिक किया होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा 75%, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कहानी ये भी है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाते हैं, मन्नू भंडारी जो फ्रेंड इसके रचयिता है। जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाती है। देखिए इसमें जो भी जनरल अवेयरनेस का पोर्शन बन सकते थे वो सारा क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे, और मैथमेटिक्स का जो है वो अमित सर के द्वारा कवर करवा दिया जाएगा आप सभी को, जो पूछा गया है। इसमें सिर्फ हम सभी जीके जीएस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, शिक्षा और परिशिक्षण, ये क्या है, भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। जबकि यंत्र और मशीनें, भवन और जो कि आपका कच्चा माल, ये सभी क्या है, भौतिक पूंजी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि असम तापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, सेला मिंडेर। ये जो फ्रेंड द्विकक्षीय होता है, ध्यान रखिएगा, इसका द्विकक्षीय हृदय होता है, जिसे मेढक हो गए, इसी के अंतर्गत आता है असम तापी के अंतर्गत। जबकि शार्क, टर्टल और टोड, ये सभी जो होता है वह समतापी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से, क्वेश्चन नंबर 28, एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो देखिए ये जो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी जो भी ऑप्शन में डी को टिक किया होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए हैं करीब करीब जो है कि मेरा ही क्लास से आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाए थे हम, आप सभी मिला लीजिएगा, काफ़ी हद तक जो है कि क्वेश्चन मेरे ही क्लास से आया हुआ है जो हम आपको क्लास प्रोवाइड किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डी आई मेंडलिप को श्रेय दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाता है, तत्वों के आवर सारणी के लिए दिया जाता है। यानी ऑप्शन में जो सी टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाते हैं, मेंडलिप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 1914 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था, आप सभी को आंसर बताओ तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाए हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन को मिलाते जाइएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर को नहीं देखेगा, सिर्फ क्वेश्चन को आप सभी देखते रहिएगा। ये पूछे गए थे और इसका आंसर आप ये लगाए हुए थे, इसे मिलाते जाइएगा, क्योंकि हर कॉपी में अलग अलग नंबर दिया रहता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो देखिए ये जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। जो भी ऑप्शन में ए को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होता है उसका। अगला क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत उदाहरण है। तो ये जो है अक्षय ऊर्जा का उदाहरण क्या है, तो सूर्य अक्षय ऊर्जा का उदाहरण होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी को जो टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि निम्न में से कौन संविधान निर्माता सभा का सदस्य नहीं था। तो देखिए नहीं था जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, जबकि जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, ये सभी थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 83, एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उसे डैश वर्ग में रखा जाता है। तो इसे जो रखा जाता है फ्रेंड वो उत्पादक वर्ग में रखा जाता है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होता है उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, पारक जो फ्रेंड जो हाल ही में खबरों में रहा था, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ पोर्टल है। तो देखिए ये जो जुड़ा हुआ है छात्र सीखने का आकलन से जुड़ा हुआ है। जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, छात्र सीखने का आकलन से जुड़ा हुआ है ये। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फिर आप सभी से कि जापान एक विकसित धनवान देश बना कैसे।
तो देखिए जापान एक विकसित धनवान देश जो बना था वो औद्योगिकीकरण और सैन्य बल के कारण बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होता कि आधुनिक तकनीकी एवं आयात के द्वारा बना था। ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर आप सभी गूगल पे सर्च कीजिएगा तो वहां आपको औद्योगिकीकरण एवं सैन्य बल देखने के लिए मिलेंगे। सैन्यकरण के कारण जापान जो कि एक विकसित और धनवान देश बना था। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फ्रेंड कि जितेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन में ए को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जित प्लस इंद्र बराबर जितेंद्र होता है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो देखिए मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वो वनारोपण के द्वारा, वृक्ष लगा के हम रोक सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि भारत के निहाल सीरन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाता शतरंज खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फ्रेंड कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जो परत चढ़ाया जाता है वो किसका चढ़ाया जाता है। तो पतली परत जो चढ़ाया जाता है वो जस्ता का ही चढ़ाया जाता है। जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर था उसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि उत्तर दक्षिण गलियार जोड़ते हैं। तो देखिए ये जो जोड़ते हैं श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ते हैं। जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है फ्रेंड। तो देखिए मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया जो है ऑप्शन में सी ही राइट आंसर होगा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो देखिए बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है फ्रेंड वो क्या होता है, मीथेन होता है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक किए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है। तो देखिए भारत में लौटते मानसून की अवधि जो होती है वो जून से सितंबर होती है, जून का प्रथम सप्ताह और सितंबर का लास्ट सप्ताह होता है। ध्यान रखिएगा यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, जून जुलाई ही कर लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में सितंबर नहीं है तो जून और जुलाई ही मारना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि 1917 में देश की पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में सीधे जाएंगे, कोलकाता में स्थापित की गई थी। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारा यही क्लास से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, करीब करीब क्वेश्चन यहां से ही पूछा गया है क्योंकि सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाए थे हम। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। तो देखिए कर्नाटक में जो वर्षा होता है ग्रीष्म ऋतु में उसे हम सभी कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसेस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पर यह ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, आप सभी एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फ्रेंड कि सोविनिय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था। तो देखिए सोविनिय अवज्ञान आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था और ये 1930 में अहमदाबाद से शुरू किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फ्रेंड कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाता स्टालिन। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फ्रेंड आप सभी से कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है। तो देखिए भारत जो आता है फ्रेंड वो विकासशील देश की श्रेणी में आता है। जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होता उसका। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो देखिए तृतीय क्षेत्र में जो सम्मिलित नहीं है पशुपालन नहीं है, ये प्रथम क्षेत्र में आता है, जबकि व्यापार यातायात और संदेश वाहक ये सभी जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित की गई थी। तो देखिए ये जर्मनी में किया गया था हिटलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए फ्रेंड कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में वन फैले हुए हैं। तो देखिए आपसे को बताया होंगे कि भारत में सबसे अधिक जो वन है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आता है इसका। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। तो देखिए आपसे को क्लास में बताए थे कि सुंदरी वृक्ष जो है फ्रेंड ये मैग्रोव वन का वृक्ष है जो कि आपको सुंदर वन में सबसे अधिक देखने के लिए मिलेंगे, जो कि समुद्र किनारे में सबसे अधिक पाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो देखिए बादल या कोहरा जो है फ्रेंड ये किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाते हैं, ठोस द्रव में परिक्षिप्त जो है कि ये इसका उदाहरण है। ध्यान रखिएगा जो भी ऑप्शन में डी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा विशेषण बनेगा। तो ये जहरीला बनेगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर आते इसका। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फ्रेंड आप सभी से कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाता नेल्सन मंडेला।
नेल्सन मंडेला जो फ्रेंड ये दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि पंडित बिरजू महाराज जो है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाता है कत्थक से। देखिए कत्थक जो है उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि बिरजू महाराज इससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फ्रेंड आप सभी से कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रित रखती है कहलाती है, तो देखिए इसे जो कहा जाता है फ्रेंड वो क्या कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा उसका। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फिर आप सभी से कि कौन सा समूह शब्द जो है कि कमल का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाता सरोज पंकज अरविंद, ये जो है फ्रेंड वो कमल का पर्यायवाची है। जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होता उसका। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए दाल का बहुवचन है, तो देखिए दाल का जो बहुवचन होता है वो दालें होता है, ऑप्शन में डी जो टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी माप है, तो देखिए किसी भी देश की विकास की अगर तुलना करना है तो उसके लिए प्रति व्यक्ति आय निकालना होता है, यानी ऑप्शन में ए जो टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा उसका। चलिए आज के इतना ही, जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर आए हुए थे करीब करीब आपको सोल्यूशन करवा दिया गया और जो बचा हुआ है वो दूसरे पार्ट में आपको कवर करवा दिया जाएगा, तो उसे भी देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स का भी आपको कवर करवा दिया जाएगा और इंग्लिश का, जल्द ही मैथमेटिक्स का आपको दे दिया जाएगा, प्लस में जो अभी जनरल अवेयरनेस का पोर्शन बचा हुआ है वो भी आपको दूसरे वीडियो में कवर करवा दिया जाएगा, तो आप सभी देख लीजिएगा। ये प्रथम वीडियो है जिसमें करीब करीब आपको क्वेश्चन का आंसर करवा चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा कि काफ़ी अच्छा प्रश्न था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, हमें उम्मीद है कि आप अच्छा स्कोर कर पाए होंगे इसमें, क्योंकि प्रश्न का लेवल देखेगा तो वो 10th लेवल का ही प्रश्न पूछा गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते कि सर बहुत ही अच्छा एग्जाम गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आपके ही क्लास से बहुत सारा प्रश्न आया हुआ था, तो हमें उम्मीद है कि हमने जो मेहनत किया है वो सफलतापूर्वक हमें मिला है वो चीज़, और आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखें और आगे हम इसी तरह काम करते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी, जय हिंद।